बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं मां तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मेरी मां भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे So I cheerfully welcome Tanu and Akshita on stage.
Give them a warm welcome. Good afternoon, everyone. Today we are here to speak a speech on the place of women in Sanskrit literature. Culture is the backbone of any civilized country. Indian culture is one of the most ancient. It has been accepted by historians and scholars of all streams. Even centuries ago, Mother India had witnessed material and philosophical prosperity. Sanskrit literature is the evidence of it. This entire world is the union of Prakriti and Purush. According to Samkhya school that stood on the edifice of Vedic scriptures, Prakriti is the feminine energy and the Purush is the masculine form of the single absolute entity. The salvation and progress of any country depends on its women. All individuals inherently possesses male and female attributes. Otherwise, there is no balance in the society. According to Ayurveda, in the biological evolution process, female contributes the flesh, blood, skin, and male contributes the bones, marrow, nerves, and structure, elements. Here, female contributes to the soft substances, who is also supreme nature. In Vedic literature, it is said as Shakti or Devi is the primal cause of this cosmos. There is an inherited link of femininity, the entire human evolution. In Hindu cosmology, all beings emerge from Brahma, the universal substratum, which is invariable. Thank you.
प्रोग्राम मैंने देखा पूरा, हर साल मेहाई पब्लिक स्कूल के बच्चों में ज़्यादा ज़्यादा निखार आ रहा है। आपने देखा कि पिछले साल बच्चों ने अच्छी परफॉर्म की थी, लेकिन उससे भी इस साल और अच्छा किया है। इसका क्रेडिट मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ, सिर्फ स्कूल की प्रिंसिपल रितु को जाता है, जिसने अपने टीचर्स को कोऑर्डिनेट करके और इतना शानदार प्रोग्राम किया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे इन बच्चों का किसी भी स्कूल के से कंपटीशन करवा लीजिए और जज बैठा दीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे हैं या लाख दो लाख फीस लेने वाले स्कूलों के बच्चे अच्छे हैं। इतनी मेहनत करवा रही हमारी टीचर्स, और आगे दो तीन साल के टाइम में आप देखिए हमारा हर बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। दो तीन साल का टाइम और दीजिए, हमने पिछले एक दो साल से प्रयास किए हैं, विद इन टू थ्री ईयर्स एवरी स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल विल टॉक इन इंग्लिश, ही विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलेगा हर बच्चा, और बच्चों के अंदर इतना जुनून और जोश होगा कि कोई भी स्कूल मेरे बच्चों के आगे कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकती। तो ये सिर्फ इसमें सिर्फ थोड़ा आपके सहयोग की मेरे को जरूरत है। आप इन बच्चों के पेरेंट्स गार्जियन हैं, आप लोग कोऑपरेट करिए स्कूल को। मैं कहता हूं कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों में आपने देखा होगा कितना जुनून और कितना जोश है इन बच्चों के अंदर, लेकिन आप लोग और हम मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं रितु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई थिंक अगेन एंड अगेन दैट टुडे वी हैव हैड दिस परफॉर्मेंस ड्यू टू प्रिंसिपल रितु। शी हैज प्रिपेयर्ड ऑल द स्टूडेंट्स, शी हैज कोऑर्डिनेटेड द प्रोग्राम इन सच ए एफिशिएंट मैनर दैट आई एंजॉय, आई थिंक एवरी बॉडी शुड हैव एंजॉयड दिस प्रोग्राम। सबको अच्छा लगा ना? सब खुश हैं? मेहाई से खुश हैं ना सभी? हाँ, तो आप ये बोलिए, बराबर आते रहिए, मेहाई मेरी नहीं, मेहाई आपकी स्कूल है, मेरा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन ये आपकी स्कूल है, आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए मैंने स्कूल ग्रामीण इलाके में चालू करी थी, और मेरा धीरे धीरे सपना साकार होता जा रहा है। जिस सपने के लिए मैंने किया था वो धीरे धीरे मेरा सपना साकार होता जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपको ये दिखा देंगे कि मेहाई कहाँ पहुँचेगी। मैं आर्मी में एजुकेशन ऑफिसर रहते हुए बेंगलोर जैसी जगह में 10-10 स्कूलों का प्रोग्राम देखा, सुपरविजन किया है, लेकिन आज मेरी स्कूल के बच्चे जो हैं उनके आगे वो बच्चे कहीं नहीं थे। तो ये मुझे आज बड़ी दिली खुशी मिली है, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि स्कूल के जो भी प्रोग्राम होते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, मुझे बहुत खुशी होगी। पेरेंट टीचर मीटिंग में आइए, आप टीचर से मिलिए, बच्चों की प्रॉब्लम बताइए, तो जिससे क्या बच्चों का डेवलपमेंट होगा। तो आज हमने आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाया, अभी कुछ प्रोग्राम बाकी हैं, तो ये टीचर्स जो हैं आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और खुशी से घर जाइए, इन बच्चों को इनकरेज करिए, आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए, ठीक है ना? क्योंकि कभी इनको मत करिए, इनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए इन बच्चों को, ये बच्चे बहुत ही चमत्कारी बच्चे हैं हमारे स्कूल के। थैंक यू। Thank you.
एक समय था जब नारी की रक्षा करने के लिए साक्षात मां काली को राक्षसों का नाश करने के लिए, लेकिन आज समय कुछ और है। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की, हैदराबाद में भी दो लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है। नारी अपनी रक्षा करना भी जानती है और अपनी रक्षा करवाना भी। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ लोगों की घिनौनी सोच के वजह से बहुत सारी लड़कियां आज कई पागलखानों में कैद हैं, परेशान हैं, और उनकी आत्मा भगवान से यही पूछ रही है कि भगवान तू है कहाँ है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। मैं निभाता हूँ
इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ भगवान है कहाँ पे तू है खुदा जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है Shabashi.
Thank you so much.